जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 34 में सिवनी सीमा की बंजारी घाटी में विश्व के तीसरे मिस्ट्री स्पॉट का दावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को दावेदार साबित नहीं कर पाए। जिले के धूमा थाना मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित चुंबकीय पहाड़ी पर शून्य गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर छोटे बड़े सभी वाहनों के न्यूट्रल होने के बावजूद चढ़ाई की ओर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वतः चलने का दावा नागपुर निवासी नेचुरोपैथी चिकित्सक नरेश दयानी ने किया। इसे चमत्कारी खोज बताते हुए सिवनी पहुंचे डॉक्टर नरेश दयानी ने गुरुवार को जिला प्रशासन से चिन्हित स्थान को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की मांग रखी थी। इस पर कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने दावे की जांच कराने अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 1 बजे मिस्ट्री स्पॉट की खोज करने का दावा करने वाले डॉक्टर नरेश दयानी सहित धूमा नायब तहसीलदार दिलीप हनवत, राजस्व अमला, विभिन्न मीडिया प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कार, ट्रक व दूसरे वाहनों को न्यूट्रल कर छोड़ने पर राजस्व अमले ने पाया कि जिस जगह को मिस्ट्री स्पॉट बताया जा रहा है उसकी भौगोलिक स्थिति ढाल पर होने के कारण वाहन स्वतः नीचे घाटी की ओर दौड़ रहे हैं, जो स्वाभाविक नजर आता है। हालांकि नायब तहसीलदार ने मौके पर पंचनामा बनाकर जियोलॉजिकल विशेषज्ञ व वाटर लेवल से मिस्ट्री स्पॉट की जांच कराई जा सकती है ताकि दावे की सच्चाई सामने आ सके। डॉक्टर नरेश दयानी ने बताया कि कुछ माह पहले वह अपनी कार से कटनी स्थित अपने ससुराल से लौट रहे थे। मार्ग से गुजर रहे थे तभी कुछ कार्यवश धूमा के पास घाट पर थोड़ी देर के लिए रुके तो लगा कि यात्रा की थकान अचानक गायब हो गई। इसी दरमियान उन्हें सड़क पर खड़ी कार के आगे बढ़ने का एहसास हुआ। इसके बाद कई बार उन्होंने मौके पर पहुंचकर गहराई से इसे समझा, अपने मित्रों व जानकारों से भी इस बारे में चर्चा की। बंजारी के पास 150 मीटर क्षेत्र में शून्य गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होने की बात कही गई है। कई बार इस मार्ग से गुजरने के दौरान यही घटनाक्रम होने पर इसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक की है। नरेश दयानी का कहना है कि मिस्ट्री स्पॉट घोषित होने से जबलपुर सिवनी सहित समूचे महाकौशल में पर्यटन की नई संभावनाएं तो जन्म लेंगी ही, बल्कि देश व विश्व को नया इंटरनेशनल मिस्ट्री स्पॉट भी मिल सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसकी कोई जांच नहीं की गई है। हनु जी, आज यहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में आना हुआ है और क्या मौके पे पाया गया है जो दावा किया जा रहा है डॉक्टर नरेश दयानी जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? अभी 2-4 दिन पहले न्यूज पेपर में खबर छपी थी कि धूमा और जबलपुर के बीच में जो बंजारी के आगे पहाड़ी ढलान वाला भाग है, घाट वाला भाग है, यहाँ पर मिस्ट्री स्पॉट है। डॉक्टर एन के दयानी जी के द्वारा इस स्पॉट की खोज की गई, ऐसा न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था। और आज वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मैं यहाँ के पटवारी और राजस्व निरीक्षक के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर दयानी साहब भी उपस्थित थे और कार चलाकर देखी गई, ट्राई किया गया, पर हमें इस स्थान पर ढलान दिख रहा है, हैवी नेचुरली ढलान है और सामान्यतः ढलान पर गाड़ी नीचे की ओर लुढ़कती है, तो हमें तो ये लग रहा है कि ढलान की वजह से गाड़ी नीचे जा रही है। अभी गुरुत्वाकर्षण का जो डॉक्टर दयानी द्वारा ये दावा किया गया है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण समतल जगह पर गाड़ी स्वतः नीचे जा रही है, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक सामने अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया। हमें जगह समतल नजर नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ ऑप्टिकल भ्रम होगा। हमें तो जहाँ की जगह ढलान समझ में आ रही है और ढलान की वजह से गाड़ी नीचे जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर जगह ढलान न होकर समतल है तो इसके लिए वाटर लेवल लेवलर की सहायता से और ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट टीम बुला करके जांच की जा सकती है और उसके पश्चात ही वास्तविकता का पता चल सकता है। धन्यवाद।